दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये रोक लगाई है और कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से मांगा है जवाब। इतना ही नहीं, 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यहां पर रोक लगाई है और कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी है, 23 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये रोक लगाई है। और इतना नहीं, आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 23 सितंबर को मामले की अगली जो सुनवाई है वो होगी 23 सितंबर को। तो आपको बता दें कि दिल्ली से खबर, जहां पर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है और साथ ही सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यहां पर रोक लगाई है। तो 23 सितंबर को इस मामले में फिलहाल अगली सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, और 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर बता दें कि दिल्ली से ये खबर, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला, और ऐसे में आपको बता दें कि 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तो सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यहां पर सुनवाई की है और ऐसे में कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हैं, जबकि पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। पीयूष, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि सामान्य वर्ग के तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक याचिका डाली थी और सीधे तौर पे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती एक तरीके से इस याचिका में दी गई थी। चूंकि आज जब महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं दी गई, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर कल के लिए रोक लगाया है। यानी कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने नए सीए से जो लिस्ट बनाने की बात जो है वो कही थी और खासतौर पर सरकार को आदेश दिया था, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी सरकार से जवाब भी मांगा गया है कि इस मामले में यूपी सरकार क्या कुछ कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, खासतौर 23 सितंबर तक अगर हम बात करें, क्योंकि 23 सितंबर को एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तब भी देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ इस मामले में जवाब दाखिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे हमें अभी पढ़ना है, विस्तृत रूप से इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सबसे बड़ी बात है कि 3 से 4 जो छात्र हैं उन्होंने ये याचिका डाली थी, जिसमें अगर हम बात करें रवि सक्सेना की बात करें, शिवम की बात करें, रोविंद सिंह की बात करें, रवि प्रकाश पांडे की बात करें,
पौनी मिश्रा की बात करें, इनकी ओर से जो याचिका है वो दायर की गई थी और सीजीआई डीवाई चंचूड़ की जो बेंच है उनकी ओर से ये आदेश दिया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि याचिका में किस तरीके से 3 महीने के भीतर दोबारा लिस्ट तैयार करने की जो बात है उसको लेकर एक तरीके से जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं दी गई थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए सामान्य वर्ग के उन छात्रों के लिए और खासतौर पे उन छात्रों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले बकायदा लखनऊ में भी प्रदर्शन हुए थे और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के भी छात्रों का तमाम जो आरोप है वो कहीं ना कहीं है और सामान्य वर्ग के जो छात्र है वो अपने लिए राहत मांग रहे हैं। खासतौर पर जो छात्र इस जो अभ्यर्थी है या जो शिक्षक है वो इससे कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रहे थे शिक्षक उन्होंने राहत की मांग की थी। तो ऐसे में एक बड़ी जो राहत है वो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को जरूर मिली है और खासतौर पे मैं वापस लौटूंगी एसके वाजपेयी लखनऊ से, हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एसके, क्योंकि शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला, ऐसे में अब सरकार से भी जवाब मांगा गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये 70,000 शिक्षक भर्ती 2019-20 के सत्र की है। हालांकि इसमें 2 शिक्षक जो की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा चुकी है और शिक्षक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सरकार का स्टेटमेंट भी था इस पूरे मामले को लेकर कि सरकार ने जो भी आरक्षण के नियम है उनके तहत इन भर्तियों को किया था। हालांकि 19,000 भर्तियां इस पूरे 69,000 में ऐसी थी जिनको लेकर विवाद था। इस पूरे मामले को लेकर जो ओबीसी वर्ग के छात्र है वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था कि 3 महीने के अंदर दूसरी लिस्ट तैयार करें जिसमें वो आपत्तियां जो लगातार विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थी लगा रहे हैं, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि गलत तरीके से किया गया, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उन सारी आपत्तियों का निस्तारण करके नई सूची हाईकोर्ट में दाखिल करें। हालांकि पूरे मामले के बाद जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं या वो अभ्यर्थी जो अब नौकरी कर रहे थे इस समय वो सभी अब कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे। उसकी वजह है कि अगर दोबारा से ये पूरी 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठक करके निर्धारित भी कर दी थी अगले 1 से 2 महीने के अंदर पूरी सूची को नई बनाकर हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि इसी दौरान पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं हो गई, इसमें वो अभ्यर्थी भी थे जो कि नौकरी कर रहे हैं, इसमें वो अभ्यर्थी भी थे जो अनारक्षित वर्ग से आते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है तो ऐसे में बड़ी राहत उन शिक्षकों को जरूर है जो कहीं ना कहीं इस भर्ती में लाभान्वित हो चुके हैं, उनको उनका कॉलेज मिल चुका है और लगातार वो पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको वेतन भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर दोबारा सूची बनती तो बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो कि इस पूरी व्यवस्था में बाहर हो जाते। हालांकि इसको लेकर जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे, न्यूज़ वन इंडिया लगातार उस प्रदर्शन को भी दिखा रहा था, ये प्रदर्शन डिप्टी सीएम के आवास पर भी हुआ, ये प्रदर्शन सचिवालयों के सामने हुआ, ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हुआ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंत्री जिसमें ओपी राजभर और साथ ही साथ संजय निषाद जैसे मंत्री शामिल है उनके आवास पर भी किया गया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश अब जरूर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार वो सारी चीजें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है वहां दाखिल करेगी। दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ आगे एक्शन लेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि तत्काल तौर पर अगर हम देखें तो उन छात्रों को बड़ी राहत या उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत जरूर है जो इस पूरी योजना में शिक्षक बन चुके हैं और लगातार सरकार से वेतन उठा रहे हैं। बिल्कुल, और एसके ऐसे में विपक्ष तो हमलावर रहा है लेकिन अनुप्रिया पटेल का भी इस दौरान सीधे तौर पर यह भी कहना था, इस पर सियासत तो हुई हो ही रही है, उनका सीधे तौर पर कहना था कि जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता मैं बार बार इस मुद्दे को उठाती रहूंगी। बिल्कुल, ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो चुका है। वजह है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो ओबीसी वर्ग की राजनीति करती हैं, चाहे वो ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या फिर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो या फिर डॉक्टर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एसओ, वो सभी कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के लिए राजनीति करते हैं और जिस तरीके के परिणाम 2024 में आए थे तो सबको अपना वोट बैंक खिसकने का डर जरूर सता रहा है। हालांकि अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए अनुप्रिया पटेल के आवास पर भी पहुंचे थे, उनसे मांग की थी कि जो 2 महीने का समय है सरकार के पास
इन दो महीनों के समय के पहले ही ये सूची जारी कर दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई प्रोफाइल बैठक भी की थी और निर्देशित भी किया था अधिकारियों को कि तत्काल फौरी तौर पर यह सूची बनाई जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग लगातार इस सूची को बनाने में लगा हुआ था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब देखना है कि क्या कुछ स्टैंड आगे वो अभ्यर्थी लेते हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले में प्रभावित हो सकते थे या फिर जो प्रभावित है, दोनों के लिए ये बड़ी खबर जरूर है। और न्यूज वन इंडिया लगातार खबर को दिखाता रहा है, जब जब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान भी हम इन सारी चीजों को दिखा रहे थे और अभी भी कहीं ना कहीं ये आदेश बड़े पैमाने पर उन 69,000 परिवारों से ताल्लुक रखता है जो शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर जो नियुक्ति पा चुके हैं, क्योंकि अगर पूरी सूची दोबारा बनती है तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर वो अभ्यर्थी भी प्रभावित होते जो कि नौकरी पा चुके हैं और जो नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ी खबर जरूर है। हालांकि अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से कहीं ना कहीं ये चीजें तो जरूर साफ है कि बड़ी राहत अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को और जो अभ्यर्थी अभी तक नौकरी कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनको जरूर हुई है, क्योंकि 69,000 एक बड़ी संख्या है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार में 5 ही व्यक्ति हैं तो सीधे तौर पर करीब 3 से 4 लाख लोग इस पूरे आदेश से प्रभावित हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा जरूर है, देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद लिया जाता है। एक बड़ी समस्या भी है और एक थोड़ी बहुत राहत भी जरूर यहां पर मिलती हुई नजर आई है। और सीधा रुख करते हैं क्योंकि हमारे साथ में हमारे सहयोगी पीयूष भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, जिस तरीके से 23 सितंबर को अब अगली सुनवाई तो इस पूरे मामले में होनी है और लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर अब जो है शिक्षकों की तरफ से भी प्रदर्शन भी हमने देखा था। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि लगातार एक प्रक्रिया रही है कि किस तरीके से अलग अलग जो कोर्ट्स हैं उनका रुख आमतौर पे किया जाता है किसी भी मामले में, और यही कारण है कि जब हाई कोर्ट से एक तरीके से राहत नहीं मिली सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, ऐसा बिल्कुल लगा। पीयूष, मैं वापस लौटूंगी और इस दौरान विनय कुमार प्रांतीय अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। विनय जी, क्योंकि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला है, ऐसे में हाईकोर्ट को लेकर नई सूची बनाने के आदेश इस दौरान हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान इस पर रोक लगा दी है। मैडम, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब ये मामला चला था तो ये कहा जा रहा था इसके ऊपर सरकार को, विभाग को जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कई डिबेट में ये बात कही है कि कुछ ऐसा रास्ता बीच में सरकार निकाले कि जिससे ये लोग जो काफी दिनों से धरना प्रदर्शन 4-5 साल से कर रहे हैं इनको भी उसमें रख लिया जाए और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी वहां से ना हटाया जाए। कारण क्या है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ये भी वेल क्वालिफाइड थे, टेट क्वालिफाई किए, इनकी रैंकिंग बनी, रैंकिंग बन के 4 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं और कितना इन्होंने लोन ले रखा होगा, किसी शादी सी आधार पे हुई होगी, तो ये कारण था। जो नौकरी कर रहे हैं उनको रखना चाहिए, तो जो नए लोग हैं उनको भी किसी तरह से कोई नियम बना के उनको शामिल किया जाना चाहिए था। हो सकता थोड़ी लेट लतीफी हुई है, क्योंकि अगर ये निर्णय बहुत जल्दी हो गया होता तो शायद जो लोग नौकरी से बाहर होने की स्थिति कोर्ट ना जाते और आज इससे की बात ना होती। अब ये मामला फंसता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है कि अब ये सीधे चले गए, अब अपोजिट पार्टी वो भी कोर्ट जाए लड़े, अब ये कब इसका हल होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले सरकार को एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक ऐसा रास्ता निकाल ले, जो हाईकोर्ट ने कहा था एक ऐसा रास्ता निकाल ले कि जो लोग 4 साल से धरना प्रदर्शन से लगातार जिनको न्याय नहीं मिला उनको भी समाहित कर लिया जाए और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी ना निकाला जाए, उनका परिवार भी ना वो हो, तो एक ऐसा रास्ता निकाले से दोनों लोग का लाभ हो तभी इसमें कोई निर्णय होगा, वरना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक स्टे होगा, इसके बाद दूसरा लड़ेगा, कब तक चलेगा ये ऊपर वाला ही जाए। बिल्कुल, क्योंकि विनय जी जिस तरीके से ये मामला लगातार आगे बढ़ता है, हाईकोर्ट तक तो सूची बनाने की बात कह दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर जवाब भी इस दौरान राज्य सरकार से मांग भी कर रही है कि अब आप इस पूरे मामले में जवाब भी दीजिए कि आखिरकार जो नौकरी कर रहे हैं उनका भी किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा और जो नहीं कर रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से मांग कर रहे हैं, उनको भी इस तरीके से शामिल किया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, ये कि जो लोग मांग कर रहे हैं भाई उनके साथ वो इसीलिए मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन 4 साल से कर रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात तो लगातार लगे रहे इको गार्डन में, क्योंकि उनको साथ ना इंसाफी जैसा उनका कहना है,
तो भाई उनको भी अगर उनके साथ ना इंसाफी हुई, हाईकोर्ट ने इस बात को माना है, तो उनको भी रास्ता दिखाना चाहिए। और जो लोग चार साल से कह रहे हैं वो भी क्वालिफाइड लोग हैं और उनका भी कोई कसूर नहीं है। अगर वैसा तो नहीं बैकडोर से आए हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड किया, उनका मेरिट बनी, मेरिट बनकर नौकरी में आए। नौकरी आने के बाद कई तो ऐसे होंगे, आप तो जानते हैं कई मैडम ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी ब्याह नौकरी के बाद ही हुई होगा कि भाई शादी ब्याह नौकरी मिले तो हम शादी करें। इन परिस्थितियों में कितने लोगों ने लोनिंग की होगी, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी, अब बीच में अगर उन लोगों को भी बाहर किया जाता है तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। इसलिए जिन लोगों की स्थितियां थी ऐसी कि उनको लगता था कि वो बाहर हो जाए, वही सब अभ्यर्थी माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख गए हैं और हमारी पूरी बातों को सुनते हुए उन्होंने स्टे कर दिया है। अब सरकार का मेन पक्ष यूपी सरकार का कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि दोनों लोग को लाभ मिले और वही तो मामला उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहिए जिससे मामला आगे ना बढ़े। अगर लड़ाई चलती रही तो आने वाले समय बहुत दिक्कतें होंगी, आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों को। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनय कुमार सिंह प्रांतीय अध्यक्ष पीएससी के जुड़े थे, जो कि इस दौरान उन्होंने तमाम बातें भी रखी और साथ ही बताया कि आखिरकार किस तरीके से ये जो मामला है वो फंस सकता है। और हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और साथ ही पीयूष तिवारी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अभी जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार आगे तो इसकी सुनवाई की डेट बढ़ा दी है, लेकिन अभी जिस तरीके से विनय कुमार सिंह भी कह रहे थे आखिरकार डेट तो आगे बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे में मुश्किलें भी पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जिन अभ्यर्थियों ने याचिका डाली थी, खासतौर पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो उनको तो राहत थोड़ी बहुत जरूर मिली है, खासतौर पे 23 सितंबर तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोडल काउंसिल की अगर हम बात करें वो भी प्रशांत शुक्ला को बनाया है, यानी कि वो वकील हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें बल्कि इस मामले में जो सभी पक्षकार हैं उनसे भी लिखित में नोट जो है वो मांगा है, यानी कि उनका भी पक्ष जानने की जो कोशिश है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर एक प्रक्रिया रही है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई फैसला देता है तो निश्चित रूप से सभी पक्षों की राय जानने के बाद, दलीलें सुनने के बाद ही कहीं ना कहीं वो फैसला देता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अंतरिम फैसला देंगे, यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो आखिरी फैसला है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि जब अगली बार यानी कि 23 सितंबर को जब सुनवाई होगी, जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संभवतः जवाब दाखिल कर दिया जाएगा, सभी पक्षकारों की ओर से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा, तब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है या क्या कुछ आदेश दिया जाता है। क्योंकि इससे तमाम जो अभ्यर्थी हैं या जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों चाहे वो अन्य वर्ग के हों जो दावा कर रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के जो शिक्षक हैं जिनकी भर्ती हो चुकी है, निश्चित रूप से अगर उनकी नौकरी जाती तो उनका परिवार पूरी तरीके से प्रभावित होता, खासतौर पर कहीं ना कहीं उन लोगों कई लोगों ने लोन निश्चित रूप से रखा था, कई लोगों की शादी हुई थी, तमाम जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाती। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपने देखा कि कई जो मंत्री हैं उन्होंने ये आश्वासन सामान्य वर्ग के छात्रों को दिया था कि किसी भी तरीके से सरकार जो है वो भेदभाव नहीं करेगी और किसी भी तरीके से किसी छात्र के साथ, अभ्यर्थी के साथ या फिर शिक्षक के साथ कोई अहित नहीं होगा। हालांकि अब सरकार के लिए भी ऐसी संकट की स्थिति होगी कि सरकार क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, क्या सामान्य वर्ग के पक्ष में यह जवाब दाखिल किया जाता है या फिर अन्य वर्ग के जो पक्ष में यह जवाब दाखिल किया जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को बैलेंस करके जवाब दाखिल करती है। अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश सरकार के उस जवाब पर टिकी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। हालांकि एक बात जरूर है कि जिस तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और तमाम अलग अलग बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि उनके साथ किसी भी तरीके से अन्याय ना हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि हमें और अत्यधिक जो समय है वो चाहिए हाईकोर्ट के इस फैसले को पढ़ने के लिए। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई याचिका डाली जाती है और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है वो सुनवाई करती है, तो आमतौर पर कई जो आदेश है वो जो लिखित होते हैं वो बड़े होते हैं, उसको इतना जल्दी पढ़ लेना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए भी कोर्ट जो है वो समय मांगता है और इस मामले में भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश को विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश को पूरी तरीके से पढ़ेगा, उसके बाद भी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी सबकी निगाहें 23 सितंबर बिल्कुल ऐसे में किसी को कोई आहत ना पहुंचे ये भी सुप्रीम कोर्ट का पूरा ख्याल इस दौरान, और ऐसे में क्योंकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो
हो, फिर से किसी भी तरीके का कोई आंदोलन या प्रदर्शन यहां पर देखने को ना मिले, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे तरीके से ध्यान रखते हुए, और अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और एसके वाजपेयी आप भी हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा यह पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर, नई सूची जारी करने को लेकर हाईकोर्ट ने बोला था, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले को अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान रोक लगा दी, और सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई होनी है वो 23 तारीख को होनी है, और जिसमें राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार दोनों तरफ का क्या निष्कर्ष आपके पास में है, जिसको लेकर दोनों तरफ से ही कोई परेशान ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी इन शिक्षकों को ना हो पाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, ऐसे में क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी यहां पर मांग की गई थी और कई राजनेता भी इसके पक्ष में उतरे थे, तो ऐसे में बिल्कुल अब राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।